नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आखिरकार प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी प्रश्न चिन्हों पर विराम लगाते हुए मंच से ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। खेल मंत्री ने मंच से कहा, बस अब चुनाव नहीं लड़ना, एक तरह से ये मेरा गुड बाय ही है। जैसा कि विदित है कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब कभी भी प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके लागू होने के साथ ही जनप्रतिनिधियों के लोकार्पण का सिलसिला भी थम जाएगा। आचार संहिता लागू होने से पहले शहर में गुरुवार को कई प्रमुख विकास कार्यों का लोकार्पण खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया। सर्वप्रथम उन्होंने नवग्रह मंदिर और सत्यनारायण मंदिर का लोकार्पण किया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के सामने स्थापित हुई राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण दक्षिण से आए उडपी पीड़ितों के मंत्री उच्चारण के बीच हुआ। अनावरण के बाद खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि संकल्प तो मैंने पहले ही ले लिया था कि अब चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ, लेकिन जिस तरह से नवग्रह मंदिर और ये मेरी माँ के सामने पंडितों ने जो मंत्र उच्चार किया तो मेरा मन इतना भावुक हो गया कि मेरे अंदर जो भावना है, मैं चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। अम्मा के पद चिन्हों पर चलने की जो कोशिश की थी वह 25 से 30 साल पूरी हो गई है। मंत्री ने कहा था कि मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे साथ जो बैठे हैं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। मैं सोच रही थी कि पितृपक्ष में क्या कर सकती हूँ। माता पिता के लिए प्रतिमा का अनावरण करते हुए आज मेरा मन भर रहा है। पितृपक्ष में मैंने माँ को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मंत्री द्वारा पाम आयरलैंड और थीम रोड लाइट के ब्यूटिफिकेशन कार्य का लोकार्पण किया। पाम आइलैंड में खास बात यह है कि यह सौर ऊर्जा से रोशन होगा। पार्क में सोलर पैनल लगाए गए हैं। आज इस मंच से मैंने संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में और जिस तरह से मेरी माँ के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। आपकी वजह से मैं कहती हूँ कि जो अम्मा के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी वो 25-30 साल पूरी हो गई, और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से और सारे जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। और मैं समझती हूँ कि पितृपक्ष के समय में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरी माँ के लिए और मेरे फादर के लिए। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे मेरा मन भर रहा है कि पितृपक्ष में मैंने मेरी माँ की सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी याद करी ऐसे समय में, और उनकी ही प्रेरणा से जो मैंने निश्चय लिया। मैं आप सबको आज प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे इस निर्णय में। कठिन निर्णय था, पर चार कोरोना के बाद 21 साल की हूँ नहीं, समय आता है नए लोगों को आने के लिए, समय आता है नई पीढ़ी को आने के लिए, और अगर अम्मा ने राह दिखाई तो मेरा भी कर्तव्य है राह दिखाने के लिए। मैं सबको, शिवपुरी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहे, मेरे सारी चुनौतियों में साथ रहे, और आज भी मेरे निर्णय के साथ आप भी मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भारत, जय हिंद।